तो ये देखिए मैंने आज बनाई है मकर संक्रांति स्पेशल मूंग दाल वाली खिचड़ी। और ये बहुत ही सिंपल सी खिचड़ी है, जल्दी से बन जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी और साथ ही हेल्दी भी है। तो संक्रांत में हमारे यहाँ इस तरह से सिंपल मूंग दाल वाली खिचड़ी बनती है। खिचड़ी में और कुछ नहीं डाला जाता। आजकल तो हम काफी सारे मिक्स वेज भी डाल के बनाते हैं, पर हम साथ में बनाते हैं सेम की सब्जी। चाहे तो उसमें भी आप गाजर बीन्स वगैरह ये सब डाल सकते हैं, लेकिन सेम की सब्जी, खिचड़ी, दही इस तरह से हम संक्रांत में बनाते हैं, और साथ में गुड़ वाली मीठी रोटी। तो ये थी मेरी संक्रांति स्पेशल सिंपल सी मूंग दाल वाली खिचड़ी। आप इस खिचड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी बनाना। देखिए मकर संक्रांति स्पेशल मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए हुए हैं। आप चावल कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको बासमती चावल लेना या कोई और चावल लेना। कोई भी मोटे चावल भी खिचड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक कटोरी चावल लिया हुआ, तो उससे आधा मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल ली है। और ये सबसे ईजी खिचड़ी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और एक चम्मच जीरा लिया हुआ है, एक चम्मच सेंधा नमक लिया हुआ है। जब भी नमक खाए, सेंधा नमक खाए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लगभग आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और एक बड़ा चम्मच यहाँ पर देसी घी लिया हुआ है। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल और दाल को धो लेंगे। ये देखिए मिक्स कर दिया है मैंने, और इसमें पानी डाल दूंगी और दो से तीन बार अच्छी तरह से धो लेंगे। तो ये देखिए चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने चावल और मूंग की दाल को अच्छी तरह से दो से तीन बार धो लिया है। बहुत अच्छी तरह से चावल और दाल साफ हो गए हैं। तो शुरू करते हैं खिचड़ी। तो ये देखिए खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर रख दिया, धीमी आंच पर गैस ऑन कर दी है। तो अब मैं इसमें देसी घी डाल दूंगी। देसी घी से खिचड़ी में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ ही अब मैं इसमें एक चम्मच जीरा भी डाल दूंगी। जैसे जैसे घी मेल्ट हो रहा है, साथ में जीरा भी बढ़िया भूनता जाएगा। तो ये देखिए जीरा मैंने डाल दिया है। जीरे को अच्छी तरह से तड़कने देंगे। पहले मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि अगर हम फुल आंच पे घी को गर्म करेंगे तो घी जल्दी से जलने लगता है। तो इसलिए मैंने साथ में ही जीरा डाल दिया, बढ़िया रोस्ट हो जाएगा ये जैसे जैसे घी गर्म। तो ये देखिए जीरा बढ़िया भून चुका है। तो अब मैं इसमें चावल और दाल जो हमने धो के रखे थे वो डाल दूंगी। पानी पूरी तरह से निकाल दिया है मैंने चावल और दाल से, और अब मैं साथ ही इसमें हल्दी पाउडर डाल दूंगी। ये देखिए हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक भी डाल दूंगी, और गैस की आंच फुल कर दूंगी और दो मिनट ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। बस घी का फ्लेवर बढ़िया चावल में हमें अच्छी तरह से आ जाए, हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हम नॉर्मल खिचड़ी बना रहे हैं, पुलाव नहीं बना रहे हैं। तो ये देखिए चावल और दाल डालने के बाद में मैंने फुल आंच पे सिर्फ दो मिनट के लिए भून लिया है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कप चावल लिए थे और आधा कप मैंने मूंग की दाल ली थी, तो मैं इसमें एक का डबल, मतलब एक चावल का डबल दो कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ड्राई, मतलब ये सूखी खिचड़ी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ चावल का ही डबल पानी डाल रही हूँ। और मूंग की दाल है उसके लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, आराम से दाल पक जाती, बहुत ही बढ़िया सूखी खिली खिली खिचड़ी बनती है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी सॉफ्ट और गीली खिचड़ी खानी है तो जैसे मैंने दो कप पानी डाला है तो आप हाफ कप और भी ले सकते हो। तो बढ़िया मिक्स कर देते हैं और गैस की आंच बढ़ा दूंगी, जल्दी से उबाल आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा घी अभी और डालूंगी जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये देखिए एक चम्मच देसी घी मैंने और डाल दिया है। तो ये देखिए खिचड़ी में बढ़िया उबाल आ चुका है। तो एक बार मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ये देखिए, और उसके बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और फुल आँच पे दो सीटी लगाएंगे, और उसके बाद में बिल्कुल धीमी आँच पे मैं दो मिनट के लिए रखूँगी बस। तो ये देखिए हमारी मूंग दाल की खिचड़ी बन चुकी है। दो सीटी होने के बाद में मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे दो मिनट पका लिया था। अब पूरी तरह से स्टीम निकल चुकी है, तो मैं कुकर का ढक्कन खोल लेती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी खिचड़ी बनी है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनी हुई है। और ये देखिए हमने सिर्फ चावल का डबल पानी डाला था, तो ये नहीं है कि मूंग की दाल नहीं पकती, आराम से दाल पक जाती है। ये देखिए कितने बढ़िया चावल दिख रहे हैं। ये देखिए चावल भी बढ़िया पक गए, मूंग की दाल भी बढ़िया पक चुकी है।
तो अब ये खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म मूंग दाल वाली खिचड़ी बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, सिंपल से खिचड़ी है, जल्दी से बन जाती है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने ऊपर से घी डाला हुआ है, हमारे घर में इस तरह से इसे घी डाल के खाते हैं, मिक्स करके, बहुत टेस्टी लगती है। साथ में आप दही ले सकते हो, पापड़ ले सकते हो, अचार भी ले सकते हो। तो अगर आपको मेरी सिंपल सी मूंग दाल की खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो आप जरूर ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद बताना ना भूलें कि आपको खिचड़ी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।